हरियावर रामचंद्र की मार मुक्त वंशी। गीता में तीन प्रकार के भेद किए गए हैं, कर्मों के, उद्भावों के, पदार्थों के, सबके। सात्विक कर्म, सात्विक भाव, सात्विक पदार्थ, इनका सेवन करना चाहिए, इससे आत्मा का कल्याण होता है। और राष्ट्रीय कर्म, राष्ट्रीय भाव और राष्ट्रीय पदार्थ परमात्मा की प्राप्ति में बाधक। और तामसी कर्म, तामसी पदार्थ, तामसी भाव ये विशेष बात है, ये आत्मा का पतन करने वाले। तो हरेक माता बहनों और भाइयों को विशेष ध्यान रखना चाहिए कि गीता के माँ सात्विक की जो पदार्थ है, भाव है, कर्म है, तो सेवन करने के लिए, धारण करने के लिए कहे गए। और राष्ट्रीय तामसी जो भाव है, क्रिया है, पदार्थ है, ये त्याग करने के लिए कहे। एक ऐसी बात आपको बतलाई जाती है कि जिससे हरेक भाई बहन जिनको थोड़ा भी गीता का ज्ञान है वह समझ सके कि ये पदार्थ सात्विक है या राष्ट्रीय तामसी है। जिसके सेवन करने से थी अपने हृदय के मां निष्काम भाव की जागृति हो, जिसके सेवन करने से थी हृदय के बीच के मां प्रसन्नता हुए, जो मुक्ति में सहायक हो, परमात्मा के बीच के मां आस्तिक भाव पैदा करने वाला हो, श्रद्धा जो है, प्रेम जो है, इसका उत्पादक हो, अंतकरण को पवित्र करने वाला हो, चाहे वो कोई क्रिया हो और चाहे पदार्थ हो और चाहे भाव हो, वो सब सात्विक है और आत्मा का कल्याण करने वाला है। और जो आर्म के बीच के मां तो संसारी के सुख देने वाला हो और परिणाम जिसका विष के समान हो, बाहर के विष के मां जो है सुखदायी हो, इंद्रियों को सुख देने वाला, और भारी के विष के मां इस लोक में और परलोक में कष्ट देने वाला हुए, और जिसमें काम है, लोभ है, इनका समावेश हुए, स्वार्थ का समावेश हुए, ऐसी कोई क्रिया जो है या पदार्थ है या भाव है वो राशि समझना चाहिए। इसी प्रकार से थी जिसमें अज्ञान हुए, दंभ हुए, पाखंड हुए, हिंसा हुए, दूसरे का अनिष्ट हुए, ऐसा जो पदार्थ है जो परिणाम के मां भी दुख देने वाला, वर्तमान में भी दुख देने वाला, मोह कारक हुए, ऐसा जो पदार्थ है या क्रिया या भाव है वो तामसी। जैसे खाने के पदार्थों के बीच के मां लहसुन है, प्याज है, वो तामसी है। और जो महान अपवित्र चीज है वो महातामसी है, जैसे मदरा, मांस आदि। और जो चीज उच्छिष्ट है, बासी है, जिसमें दुर्गंध आवे है, अपवित्र है, ये सब खाने के पदार्थ तामसी है, इसे बुद्धि है सो भ्रष्ट हो जाती है। और मादक जो वस्तु है वो सभी तामसी है, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, जर्रा आदि। इसी प्रकार से थी खाने के जो पदार्थ
राशि है उनकी बात बतलाई जाती है कि जैसे मिर्च है, कढ़ाई है, नमक है, तेज पत्ता है, राई है, जितने जो मसाले हैं जो चंचलता को पैदा करने वाले ये सभी पदार्थ जो है खाद्य पदार्थ राशि है। और जो ऐसे पदार्थ है जो उत्तम विषात्विक है कौन कि जैसे हृदय को तर रखने वाले, आयु बढ़ाने वाले, बल को बढ़ाने वाले, आरोग्यता को बढ़ाने वाले, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले दूध है, घी है, मक्खन है, मेवा है, चीनी है और चिकने पदार्थ है, साग तरकारी फल वगैरह अन्य ये सब सात्विक पदार्थ। इसी प्रकार से थी समझो कि जैसे पदार्थों की बात कही ऐसे अपने हृदय के भावों की बात है तो हृदय के बुरे भाव हैं, दूसरे के अनिष्ट करने वाले जितने जो भाव हैं, मोह को पैदा करने वाले जितने जो भाव हैं, ये सब तामसी भाव है। और जिसके बीच के वहां स्वार्थ है, कामना, इच्छा, आसक्ति, अहंता, ममता, ये सब जो भाव है ये सब राशि भाव। और हृदय के जो समझो कि उत्तम जो गुण है क्षमा, दया, शांति, समता, संतोष, सरलता और जितने देवी संपदा के लक्षण जिनके मां भाववाचक पदार्थ सब सात्विक है, ऐसी क्रिया जिसको हम सदाचार कहते हैं, उत्तम आसन कहते हैं, जग करना, दान देना, तप करना, तीर्थ करना, व्रत करना, उपवास करना, इस रूप से सात्विक है। ये भी राष्ट्रीय भाव से राष्ट्रीय हो जाते हैं, तामसी भाव से तामसी बन जाते हैं, क्योंकि क्रिया से भाव की प्रधानता मानी गई है। पदार्थ तो एक प्रकार से थी समझो कि सात्विक है, क्रिया सात्विक है, किंतु हृदय का भाव तामसी होने के कारण से, तामसी और राष्ट्रीय होने के कारण से राष्ट्रीय हो जाते हैं। जैसे कोई एक भाई जग करता है, दान देता है, तप करता है, सेवा करता है, किंतु उसका उद्देश्य यह है, उस अनुष्ठान करने का उद्देश्य यह है दूसरे को कष्ट देना, दूसरे को मारने के लिए या कष्ट पहुंचाने के लिए या बीमार गिराने के लिए जो उसका जगदान तप करना है, तो वो जगदान तप स्वरूप से सात्विक होते हुए वो तामसी बन जाता है दूसरों का अनिष्ट करने वाला होने के कारण। इसी प्रकार से यज्ञदान तप जो है हम पुत्र के लिए, धन के लिए या स्वर्ग के लिए या कोई अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए, भोग और आराम के लिए, आरोग्यता के लिए करें तो वो यज्ञदान तब तामसी नहीं होगी कि राष्ट्रीय बन जाता। तो राष्ट्रीय और तामसी दोनों ही त्याज हैं और सात्विक ही ऐसो ग्रहण करने के योग हैं। इसलिए हम लोगों को क्रिया भी सब सात्विक करनी चाहिए, भाव भी सात्विक होना चाहिए, तभी वो पूर्णतया सात्विक है। इसी प्रकार से थी सात्विक पदार्थों का सेवन करना चाहिए और निष्काम भाव से सेवन करना चाहिए, तभी वो सर्वथा सात्विक है। तो भाव से भी सात्विक हो है, पदार्थ से भी सात्विक हो है, क्रिया से भी सात्विक हो है, तो वो असली सात्विक। गीता के बीच के वहां सात्विक राशि तामसी जो एक प्रकार से भाव पदार्थ और कर्म बताए हैं,
उनको इस प्रकार से विचार के द्वारा समझ लेना चाहिए, फिर सारी गीता के श्लोकों का अर्थ आप ठीक समझ सकते हैं। तो ये रहस्य में लेने से सात्विक कर्म, सात्विक पदार्थ, सात्विक भाव समझ में आ जाते हैं। तो कामी जो पुरुष है वो तो पराय मिथ्या बोलता ही है, और सत्यवादी पुरुष को भविष्य की बात भी नहीं कहनी चाहिए कि कल मैं ये करूंगा, परसों ये करूंगा, ये अपने बस की बात तो है नहीं, तो उसका पालन होना कठिन है। ये कहना चाहिए भविष्य के लिए कि ऐसा मेरा इरादा है, ऐसा मेरा विचार है, किंतु जो बन जा सोई सही। तो भविष्य के लिए बंद करके कोई बात नहीं करनी, भविष्य के लिए कोई प्रतिज्ञा करके बात नहीं करनी चाहिए, दृढ़ संकल्प करके कोई बात नहीं करनी चाहिए भविष्य के मां मैं ये करूंगा, तो ऐसा कहने वाले को कहीं कहीं झूठ बोलना पड़ेगा। सत होकर के भी वचन ऐसा प्रिय होना चाहिए, सत तो है किंतु प्रिय नहीं है तो ये वाणी का दोष। सत भी होना चाहिए, प्रिय भी होना चाहिए, और ये दो बात होकर के भी वो बात इसकी नहीं है तो वो वाणी ऐसो व्यर्थ है। इसकी बात ऐसो कहनी थी ये, और पांचवी बात है मुक्तिदायक जो शास्त्र है, जिन शास्त्रों के वहां ज्ञान वैराग भक्ति सदाचार की बात लिखी है, उन शास्त्रों का अध्ययन करना, अनुशीलन करना, इसका नाम स्वाध्याय। तो ये पांच प्रकार से थी वाणी का तप कहा। इसी प्रकार से पांच प्रकार का ही भेद मानसिक तप का है। मानसिक तप की बात बतलाई जाती, मन प्रसाद सौम्य तुम ओन मातुम निग्रह भार संशुदीरिते तत् तपो मानस मुच्यते। मानसिक तप के भी ये पांच भेद है। मन प्रसाद है यानी मन की प्रसन्नता, और सौम्य भाव और मौन मन का निग्रह, और मन के भावों की अच्छे प्रकार से पवित्रता, इस पांचों को मानसी तप कहते हैं। ये शब्दार्थ आपको बताया, अब इसका कुछ विस्तार करके बतलाते हैं। मन जो है सात्विक भाव को लेकर के जो प्रश्न होता है उसका नाम यहाँ प्रसाद है। जैसे कहा कि प्रसाद सब दुखाना हानि से हो जाती, प्रसाद से थी सारे दुखों की हानि हो जाती है, और जहां सात्विक सुख की गीता की 18वीं अध्याय के वहां व्याख्या आती है तो वहां भी प्रसाद शब्द आया है। तो अध्यात्म विषय को लेकर के जो चित्त में सात्विक प्रसन्नता होती है उसका नाम यहाँ प्रसाद है। और सौम्य भाव जैसे चंद्रमा जो है सोम ग्रह है, तो चंद्रमा
माधव जिनका मन सोम है, मन का देवता भी चंद्रमा है, इसलिए स्वाभाविक ही उसके मां चंद्रमा के माफक है सोम भाव होना चाहिए। मन मन के मां शीतलता, मन में जलन नहीं होनी चाहिए, मन के बीच के मां कोई उद्वेग नहीं होना चाहिए, मन में क्रूरता नहीं होनी चाहिए, इन सब का जो अभाव है और चित्त के मन जो शांति है शीतलता है उसको सौम्य भाव कहते हैं। तीसरी बात है मौन। वाणी के तप में यदि मौन होता तो हम कहते कि यह चुप रहना है, किंतु यह मन के तप में मौन सब लाया तो मुनि का जो भाव है वो मौन, और मननशीलता को भी मौन कहते हैं। तो यह मनन से भगवान के स्वरूप का मनन उत्तम, तो ये बात है कि भगवान के स्वरूप का मनन करना ही मौन है। मौन से ये बात भी कोई कोई टीकाकार लेते हैं, जैसे वाणी का चुप होना ऐसे मन का चुप होना यानी संकल्प पर ही तोड़ना ये भी मौन है, किंतु इससे भी बढ़कर के भगवान के स्वरूप का जो मनन है मननशीलता वो सबसे उत्तम मौन शब्द का अर्थ प्रकरण के अनुसार। और आत्मनिग्रह आत्मा नाम मन का है, और मन का निग्रह यानी मन को बस में करना ये मानसिक तप है। मन को बस में करने का उपाय गीता की 6 अध्याय की 35 के श्लोक में बतलाया है। क्या बतलाया है? अभ्यास और बहिराग। अभ्यास और बहिराग से चित्त भस्म होता है या निग्रह किया जाता है। और पांचवा प्रकार है भाव संशुद्धि। हृदय का जो भाव है वो पवित्र भाव, अच्छी प्रकार से जो पवित्रता है उसको कहते हैं भाव संशुद्धि। हृदय के भावों की पवित्रता, हृदय के भाव क्या कि जैसे क्षमा है, शांति है, दया है, प्रेम है, ज्ञान है, वैराग है, ये सब हृदय के उत्तम भाव है। और ये सब सात्विक हुए स्वरूप से भी सात्विक है और फिर भाव से भी सात्विक हुए। और हृदय का जो सात्विक भाव पवित्र भाव यानी जिसको हम हृदय का शुद्ध भाव कहें, तो ये 5 प्रकार मन के तप के बतलाए। इन सब को मैंने ये 3 प्रकार का जो तप बताया शरीर संबंधी 5 प्रकार का तप, और वाणी संबंधी 5 प्रकार का तप, और मन संबंधी 5 प्रकार का तप, ये जो 15 प्रकार का जो तप है ये निष्काम भाव से थी इनका सेवन किया जावे आत्मा के कल्याण के उद्देश्य से। तो भाव से भी सात्विक हो या स्वरूप से तो सात्विक है ही,
और फिर भाव से सात्विक हो जावे, ये शीघ्र कल्याण करने वाला है। नारायण नारायण नारायण।